इसकी हिम्मत कैसे हुई सावरकर का नाम लेता अपनी गंदी जुबान पे, अपनी गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नती गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नाम ले। सुनिए, मैंने बार बार कहा बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं मैं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, इसमें क्या है? शहीद हुआ आवाज उठाते हुए। तो आपने बड़ा सा फोटो मंडवाया कि नहीं मंडवाया? नसरल्लाह का फोटो मंडवा लिया होगा आपने, फातिहा भी पढ़ी होगी उस नसरल्लाह के लिए आपने। बात करें तो देखो, नसरुल्लाह का फोटो तो चलो हम लगाए ना लगाए, हमारे में फोटो लगाना जो ना दीवारों पे हराम होता है। हम बुद्ध परस्ती और ये फोटो लगाना, घरों में पिक्चर लगाना, इसको जायज नहीं मानते हैं। मेरा जो बिलीव है, जहाँ मैं मानता हूँ अल्लाह और अल्लाह की कुरान को और नबी सल्लम को, मुझे तो फोटो लगाना, तस्वीर लगाना मेरे घर में जायज नहीं है किसी की। वो आप लगाएं, लेकिन जैसे आपने नाथुराम गोडसे की लगाई हुई है, जैसे भगवा आतंकवादियों को हार डाला जाता है, आरएसएस वालों को हार डाला जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। वकार भट्टी कहते हैं, वकार भट्टी मतलब आपकी 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 ये हीरोज की लिस्ट में कौन कौन है? जैसे नसरल्लाह तो मैंने मान लिया, आपने कहा शहीद हुआ, और कौन कौन है आपके हीरोज की लिस्ट में? ओसामा बिन लादेन गंदा कौन है? एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, उसको इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई सावरकर का नाम लेता अपनी गंदी जुबान पे, अपनी गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नती गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नाम ले। खाने वाले मूत पीने वाले चल निकल दफा हो। प्लीज 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 सुनिए, मैंने बार बार कहा बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं।